बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कलमकार का एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल ही रांझा आपको लाइव अनफोल्ड करके दिखाएंगे। ब्यूटीफुल कोड है, हैंडवर्क के ऊपर दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही फ्लो लेंथ इसमें आराम से बन जाएगा कंप्लीट आर्टिकल का लुक, जैसा आयजा ने वेयर किया है एग्जैक्ट सेम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट। फ्रंट इसका जो है वो दो पैनल्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसका फ्रंट ओपन स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो वैसे बनाएं, और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। ये फ्रंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से यहाँ तक की लेंथ की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके ऊपर बहुत प्यारा सा जो है वो कद्दाने के साथ काम है, सारा फॉइल वर्क है। इसके ऊपर 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, ब्यूटिफुल जो है वो वर्क है, पर्ल्स भी साथ में अटैच है, ठीक है। लुक आपको दिखा रही हूँ मैं, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा लुक है। ऊपर की तरफ जाएं तो इसमें बहुत प्यारा सा हैंडवर्क है, ये देखें लुक इसका बड़ा खूबसूरत है। ये देखें इसके सेंटर में स्टोन्स लगे हुए हैं, क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। ये बॉडी की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। दोनों पैनल्स लगा के लुक क्रिएट करके दिखाते हैं। मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, सारा इसमें कटदाने के साथ काम है, और ये लेंथ आ गई है, ठीक है। दोनों पैनल्स साथ अटैच करके मैं थोड़ा सा आपको लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। बड़ा प्यारा सा पिंक का शेड है ये, कुछ इस तरीके से जैसा मॉडल ने वेयर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके जो है वो लेंथ की चीज़ें भी साथ में दिखाते हैं। इसका नेकलाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेकलाइन इसका बड़ा खूबसूरत सा है, ब्यूटीफुल लुक है नेकलाइन का, ये देखें बड़ा खूबसूरत कलर, बहुत प्यारा है। और ये एप्लिक के थ्रू जो है ये सारा लगेगा, इसका लुक आप देखें। इसके ऊपर पूरा जो है वो क्रिस्टल वर्क है, पर्ल्स के साथ ये सारा काम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसके लेंथ का पीस भी आपको दिखा देती हूँ, ताकि पहले लेंथ कंप्लीट करते हैं फिर इसकी एसेसरीज आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंथ के अंदर ये जो बॉर्डर्स हैं ये सेपरेटली दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, वो दिखा देते हैं आपको, ये आगे इसके लेंथ के बॉर्डर्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लगेंगे, ये एक वन साइड का बॉर्डर है, ये सेकेंड साइड का बॉर्डर है, तो इसके अंदर आप लॉन्ग लेंथ आराम से बना सकते हैं। इसके ऊपर भी बड़ा प्यारा काम है, शेडी सा वर्क है, ठीक है, क्रिस्टल्स के साथ पर्ल्स के साथ सारा काम हुआ है। ये दो लेंथ के पैनल्स दिए हुए, ठीक है। ये आप आराम से जो है ना इसमें लेंथ ईजिली लॉन्ग लेंथ शर्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं साथ ही वन साइड रख देती हूँ, कैमरा बहुत ज़्यादा लेंथ को कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको रख के लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। नेक लाइन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप उसको जैसे स्टिच कराना चाहें। नेक लाइन के सेंटर के अंदर भी जो ये बंच है, ये भी हम आपको साथ ही दे रहे हैं, ये आ गया इसका नेक लाइन के सेंटर का बंच। तो सेम लुक अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे, ये उसको साथ ही उस तरफ रख देते हैं तो सेम ही लुक बन जाएगा। अच्छा, लेंथ का मैं आपको बताऊं, अगर आप हाइटेड हैं तब भी इसमें आराम से लॉन्ग लेंथ बन जाएगा, जैसा मॉडल ने पहना हुआ है। लेंथ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपने बनानी है, ठीक है। अच्छा, एम्बेलिशमेंट्स के अंदर हम आपको दे रहे हैं फ्रंट का ओपन शर्ट का जो है लेसेस, जो कि सारी हैंडवर्क के साथ है, ठीक है। इसमें आप आराम से फ्रंट ओपन बना सकते हैं। इसके अंदर जो मॉडल ने पहना हुआ है, काफ़ी बड़ी लेसेस है, ये स्लीव्स में लग जाएगी, फ्रंट ओपन में लग जाएगी, ठीक है। और ये सारी हैंडवर्क के साथ है, और सेकेंड लेसेस हैं जो इसके चॉक्स के लिए फ्रंट बैक के लिए दी हुई है, और ये इजीली पूरा ऊपर से लगेगी, आराम से ये चॉक्स के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा ये आराम से जो आप एसेसरीज दे रहे हैं, जैसा सेम लुक मॉडल ने पहना है, सेम लुक बनाएंगे तो बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक और लेस है ये ऑर्गेन्जा की, ये बैक की तरफ लगा सकते हैं आप। मैंने फ्रंट तो आपको कंप्लीट दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक। अच्छा, बैक का लुक भी बड़ा प्यारा है, बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा के ऊपर है, बूटियाँ बनी हुई है। थोड़ा सा मॉडल लुक चेक करेंगे आप तो इजीली आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी बूटियाँ बनी हुई है बैक की तरफ, और मैंने आपको दिखा दी ये लेसेस जो है वो बैक दामन पे लगेंगी, बैक के चॉक्स पे लगेंगी, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा जो ड्रेस का लुक है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं आपको बैक का नेक लाइन, ये आ गया इसके बैक का नेक लाइन, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें तो मैं आपको स्टार्ट में दिखा ही चुकी हूँ। फ्रंट आ गया, बैक आ गया, बैक की लेंथ भी पूरी दी हुई है लॉन्ग लेंथ, जितना फ्रंट की लेंथ है उतनी ही बैक की लेंथ भी है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट और बैक के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ स्लीव्स, आमने सामने दी हुई हैं, ये स्लीव्स है, कट दाने के साथ सारा स्लीव्स के ऊपर काम है, और आप लुक देखें कितना खूबसूरत है, ये देखें इसका ब्लिंग ब्लिंग करता हुआ लुक है, हसीन सा। अप साइज भी बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा, और स्लीव्स के लिए भी जो मैंने आपको पहले दिखाया कि ये जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले, ये वाली जो लेसेस है ये स्लीव्स के अंदर भी आप लगा सकते हैं, ज़्यादा ही दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका
ट्राउज़र प्योर रॉ सिल्क का हम इसके साथ आपको दे रहे हैं। ट्राउज़र का फैब्रिक ये आ गया, इसका ट्राउज़र का फैब्रिक जो कि कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, बड़ा ही हसीन लुक है, जब स्टिच होगा बहुत खूबसूरत लगेगा। और अब मैं दिखाऊंगी आपको बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। मेजरमेंट्स बहुत अच्छी दी हुई है, अप साइज़ भी बनाएंगे, एक्सल साइज़ भी तो ईजिली बन जाएगा क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा दिया हुआ है। पूरा आर्टिकल का दुपट्टे का लुक दिखाते हैं आपको, फोर साइड के बॉर्डर्स ऑलरेडी डन है। कलर्स देखें इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है जी, पल्लू की तरफ इसमें पूरा वर्क हुआ हुआ है, पल्लू रेडी है, लॉन्ग साइड भी डन है और पल्लू भी रेडी है। ये देखें ब्यूटीफुल आर्टिकल, कलमकार का आर्टिकल है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बुक नाउ के लिंक के थ्रू आप इन आर्टिकल्स के ऑर्डर हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। बुक नाउ के लिंक के थ्रू या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।